अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और आज जो है ये देखें, ये सुबह का टाइम है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी और यहाँ पे परिंदे जो हैं बड़े अच्छे से लाइंस के साथ जो है खेल रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा यहाँ पे क्लिप शूट करूँ। देखें माशाल्लाह इसी तरह से लाइंस के साथ जो है ना ये आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं। हम यहाँ पे सिग्नल था तो हम खड़े हुए थे और इनको माशाल्लाह देखे जा रही थी और मैंने सोचा इनका छोटा सा क्लिप बना दूँ। ये सुबह का टाइम है, 6:30 बज रहे हैं और बच्चों को हम लोग स्कूल छोड़ने जा रहे थे क्योंकि मुझे जाना था, सामान लेना था कुछ, तो मैंने कहा मुझे साथ लेते चलें, आप बच्चों को छोड़ दीजिएगा और फिर शॉपिंग कर लेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे अभी हम आ गए हैं नहदी में, यहाँ से कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ सामान लेना है जो कि काफ़ी टाइम से कह रही थी और आज सोचा ले ही लूँ। तो यहाँ पर जो है काफ़ी सारी जो है चीज़ें थी, यहाँ आके दिल जो है ये लेना है वो लेना है इस पर हो गया, लेकिन हमने जो जो चीज़ें लेनी थी बस वही लेते हैं और फिर मैं घर चल के आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे माशाल्लाह सोदिया में काफ़ी जो है इनके ब्रांचेस हैं, तो ये जो है काफ़ी बड़ी है। मैंने सोचा था यहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगी लेकिन काफ़ी जो है यहाँ मिली, काफ़ी नहीं मिली यहाँ पे। तो यहाँ पे बस मेरे हस्बैंड ढूंढ रहे थे, मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो मिली नहीं रही थी। वैसे माशाल्लाह इसके 2 फ्लोर हैं, ऊपर जो है बच्चों का है और नीचे बड़ों की चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने सोचा एक मेकअप रिमूवर भी ले लूँ, गार्नियर का मैं यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा होता है और साथ ही गार्नियर की जो है विटामिन सी सीरम जो है ना वो भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे बच्चों के टॉप्स देखने लग गए थे जो कि मुझे अच्छे भी लगे थे ये वाले। तो बस यहाँ से फिर हम लोग सीधा घर चले गए, चीज़ें जो है वो ले ली, बिल बनवा लिया। अब घर आते ही इन्होंने कहा कि भूख लगी है, तो जल्दी से मैंने जो खाना मैरिनेट करके गई थी चिकन, उसको जल्दी से आके बनाया। इसे कहते हैं चिकन 65 जो कि बहुत मज़े की लगती है, मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो काफ़ी टाइम से कह रहे थे। और मैं जो है ज़्यादा कहती हूँ ग्रेवी वाली अच्छी होती है कि अच्छी लगती है, लेकिन इनको जो है ना ये अच्छी लगती है, तो आज मैंने कहा चलो यही बना लेती हूँ। थोड़ा सा पहले फिर भी पानी डाल के ना इसकी ग्रेवी भी बना ली ताकि रोटी के साथ बंदा खाए। तो बस साथ में सादा राइस भी बना लिए थे और इसलिए मैंने थोड़ा पानी डाल दिया कि ग्रेवी हो जाए। जिसने रोटी के साथ खाना होगा वो रोटी के साथ खाएगा, जिसने ग्रेवी जिसने चावल के साथ खाना होगा तो वो चावल के साथ खाएगा। तो बस जल्दी से जो है ये एक मैंने बना लिया, मैरिनेट करके गई थी, आते ही फिर मैंने जल्दी जल्दी इसमें लग गई, इसको बनाया और फिर खाया। और उसके बाद जो है मैंने सोचा आप लोगों को जो है जो चीज़ें लेकर आई हूँ वो दिखा दूँ, क्योंकि मेरी एक सिस्टर है वो कहती है जो लेकर आती हो वो भी दिखाया करो, पता नहीं मुझे लगता है पता नहीं अगले को क्या लगेगा, तो इसलिए जो है मैं चीज़ें नहीं दिखाती थी। लेकिन आज जो है मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैं क्या ले कर आई हूँ, क्योंकि काफ़ी ऑफर्स चल रही थी, एक के साथ एक फ्री था, किसी के 2 के साथ एक फ्री था, किसी पे 30% ऑफ था, तो इस तरह से जो है ये थी, तो मैंने सोचा ले लूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ ये 2 चीज़ें लेने गई थी, फेस के लिए जो हेयर रिमूवर है ये और जो दूसरी है ये वाली सेंसिटिव एरियाज के लिए, ये 2 लेने गई थी। और वहाँ पे जाते ही इस पे ऑफ़र थी, इस पे ऑफ़र थी, ऐसे करके ना मैंने काफ़ी चीज़ें ले ली, इसलिए मेरे हस्बैंड ना मुझे लेकर नहीं जाते, कहते एक चीज़ लेने जाओगी तो काफ़ी लेकर आ जाओगी लेकिन मैं कहती हूँ क्या करें, ज़रूरत है जो चीज़ वो ले लें। तो ये हैं जो मैं लेने गई थी, काफ़ी अच्छी हैं चेहरे पे यूज़ करने के लिए, बेस्ट है, अपर लिप्स आ जाते हैं अच्छे नहीं लगते और हर रोज़ बंदा जो है पार्लर भी नहीं जा सकता, तो इसलिए जो है ये दोनों बेस्ट हैं। तो ये जो है ये फेस पे इस्तेमाल करने के लिए है सिर्फ, और दूसरी जो है आप अपनी बॉडी पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3-in-1 है। तो मैंने सोचा आप लोगों को जो है शेयर कर दूं, शायद किसी ने आप लोगों में से कोई होंगी जो यूज़ भी करती होंगी, काफ़ी अच्छी है, ब्राउन की कंपनी है ये, बहुत अच्छी है। तो ये फेस के लिए जो है कि लिपस्टिक शेड में है, लेकिन जब बिल्कुल पेनलेस है, मतलब कि आप कहीं भी जा रहे हैं जल्दी जल्दी में हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। तो मैंने सोचा यहाँ पे आप लोगों को खोल के जो है ये मैं दिखा दूँ कि किस तरह से है। ये देखिए इस तरह से ओपन होगी, नीचे से ओपन होगी तो सेल डलेगा और ऊपर से जो है ये इसके फंक्शन दिए हुए हैं, इस तरफ रोटेट करेंगे तो खुल जाएगी नीचे की तरफ सेल वाली साइड, ऊपर इस तरफ रोटेट करेंगे तो ऊपर से चल जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। देखिए इस तरह से आपने चेहरे पे जो है करना है और बिल्कुल पेनलेस है, बिल्कुल ही पता भी नहीं चलता,
बहुत ही अच्छी है, और ये इस पे भी काफ़ी ऑफर थी, तो मैंने सोचा ये भी ले लूँ, क्योंकि मैं बस इसी को ऑफ़र में देख रही थी ऑनलाइन, तो मैंने कहा था मुझे ये चाहिए। तो ये देखिए नीचे से सेल है, रोटेट नीचे से करेंगे तो सेल खुलेगा और ऊपर से रोटेट करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगी चलना, तो बहुत ही अच्छी है। आई होप आप लोगों को में से कोई होंगी जो यूज़ भी करती होंगी, और बहुत ही अच्छी है, इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, ज़्यादा जल्दी बाल वापस नहीं आते। और अब करने के बाद आप यहाँ से जो है अच्छे से ब्रश साथ दिया हुआ क्लीन कर सकती हैं, और इसे एक इजी अपने मेकअप पाउच में भी इजीली केयर कर सकती हैं, बहुत ही अच्छा है फेस के लिए, बहुत ज़बरदस्त है ये चीज़। तो बस आज का व्लॉग जो है मेरा यहीं तक था, मेरे ये थोड़ी सी मैंने सोचा अच्छी चीज़ है तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और बस आज की जो है बस इतनी सी वीडियो थी, आई होप आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, और कुछ होंगी जिनके पास ये पहले से ही होगी तो उनको पता होगा कि कितनी अच्छी है। और ये जो साथ में आपको ये दिया गया है, यहाँ पे ब्रश है, यहाँ पे इसके फंक्शंस हैं, ये सारे जो है बहुत ही मतलब बहुत ही इजी टू यूज़ है, और फ्री पेन बिल्कुल भी नहीं होता इससे। तो दूसरी तरफ जो है ये वाली मशीन है, ये सेंसिटिव एरिया के लिए है, लेकिन आप इसे पूरी बॉडी पे जो है यूज़ कर सकते हैं, इसके 3 फंक्शंस दिए गए हैं, ये देखें बड़े वाले के साथ आप बॉडी के साथ कर सकते हैं, ये छोटा भी साथ में दिया गया है, ये आप जिस तरह से आप यूज़ करना चाहें उस तरह से जो है कर सकते हैं। ये भी काफ़ी लोगों के पास होगी और उनको इसका पता होगा, बस मैंने सोचा मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है तो मैं आप लोगों के साथ जो है इसका रिव्यू शेयर कर दूं कि कितनी अच्छी है। इसके साथ ये देखिए इसके 3 2 हेड दिए गए, ये बड़ा है जो बड़े बालों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो छोटा है वो छोटे बालों के लिए, और साथ ही ब्रश दिया गया है क्लीन करने के लिए, और आप इसे निकाल भी सकते हैं, मतलब लगाने के लिए इसको निकाल के दूसरा जो है फंक्शन आप लगा सकते हैं। ये देखें ये छोटे बालों के लिए है इसका, तो बहुत ही इजी टू यूज़ है, ये भी बिल्कुल पेनलेस है, पेन बिल्कुल भी नहीं होता इससे, और आप करने के बाद इसे क्लीन कर लें और फिर जो है अगर इसको चेंज करना चाहें तो ये देखें इस तरह से ओपन हो जाता है, और इसका दूसरा जो साइड है वो लगा दें, ये देखें इसके चल स्पीड देखें किस तरह से, और इसके बाद अगर आप चाहें तो दूसरा जो है इसका फंक्शन लगा सकते हैं, ये वाला ये देखें। और इसके साथ ही इसका पाउच भी दिया गया है, आप इसे इजीली जो है अपने बैग में कैरी कर सकते हैं कहीं भी जाएं, और जैसे सफ़र पे जाते हैं कहीं तो आपके लिए बहुत ही आसान है ये, और बिल्कुल देखने में बहुत ही छोटा है, और आप बैग में आराम से जो है इसे रख सकते हैं। और साथ ही इस तरह से बुक दी गई है जिस पे आपको तरीका जो है समझाया गया है, अरबी में भी है और इंग्लिश में भी है, इसे आप पढ़ सकते हैं और जो है तरीका सीख सकते हैं कि किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। तो बस ये थी हमारी शॉपिंग आज की नहदी से, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।